राजपूत, आप देख रहे हैं मधुभूमि की बोल। आज हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए राजा शंकर साय एवं रघुनाथ साय की समक्ष जनमत यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हम आए हैं डिंडोरी में 2008 से डिंडोरी विधानसभा से क्षेत्र से लगातार 2008 से विधायक ओमकार सिंह मरकाम की गृह ग्राम बरनई में, और हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने 15 सालों में क्या काम किया है, क्या विधायक के किए गए कामों से यहाँ की जनता संतुष्ट है, और यहाँ उन्होंने कितना परिवर्तन लाया है। वो आने यहाँ की जनता विधायक को आने वाले समय में विधायक देखना चाहती है या परिवर्तन चाहती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बरनई के लोगों से सीधी बात करेंगे। हम हैं विधायक के गृह ग्राम बरनई में, और ये जो आप स्कूल देख रहे हैं सैटेलाइट प्राथमिक शाला बरनई, ये डिंडोरी में 15 सालों से विधायक ओमकार सिंह मरकाम का गृह ग्राम है, ये जन्मभूमि है। और एक बार आपको कहूँगा कि इसको दिखाइए, यहाँ के जो खेल मैदान उसको दिखाइए, नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो इस खेल मैदान में खेलते हैं छुट्टी के समय पर। ये दुर्दशा का शिकार है, आप देख सकते हैं 15 साल में जो गांव की तस्वीर नहीं बदल पाए, क्या उनसे जिले की तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा सकती है। और हम यहाँ के बच्चों से बात करेंगे कि स्कूल की क्या कंडीशन है, और ग्रामीण भी यहाँ आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बच्चों से बात करते हैं, चलिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनुराधा। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। यहाँ पे स्कूल छूटता है क्या, टपकता है पानी? पानी टपकता है सबसे? नहीं टपकता है। पानी कैसे घुस गए? अरे किधर से? तो देखिए ये कौन सा क्लास है? तीसरी। एक कक्षा तीसरी है, और यहाँ पे 5, 4, 9 बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। और ये जो दीवार है इसके पीछे तरफ यहाँ से रोड निकली हुई है, यहाँ से पानी बरसात के दिनों में अंदर घुसती है। तो जब पानी अंदर घुसती है तो आपको दिक्कत नहीं होती? दिक्कत नहीं होती? अच्छा, अभी तक आता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। गोवर्धन। कौन से क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। अच्छा, तो ये आप देख रहे थे कि ये पानी जो है समझती है तो आधे स्कूल तक आती है, तो जो बच्चे लोग हैं यहाँ पे आधे कमरा पे आप बैठ के पढ़ते हो। क्या क्या बनता है आपसे? दो एक। कौन से क्लास में हो आप? तीसरी। अच्छा, गोवर्धन से हम बात कर लिए, अब बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? हेमंत। खड़े हो बेटा। हेमंत, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? एक दो पूरा पढ़ते सुनाओ। बस बस, गुड, वेरी गुड। एबीसीडी बनता है? इधर देख पढ़ो, कैमरा को मोबाइल में देख पढ़ो। और अनार क्या नाम भाई आपका? जोर से बोलो। आपके पिताजी क्या नाम है? लखन मरारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो आपको कौन मास्टर पढ़ाता है यहाँ पर? मास्टर जी क्या नाम है मालूम है? नाम है। कितना पीरियड लगता है आपका? दिन भर में क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? एक दो ऐसे पढ़ाते हैं, बताओ जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
बस बस अब 1 2 3 बस बस और दुनिया बनता है क्या जी। और पुस्तक पढ़ते बनता है कि पुस्तक पढ़ते बनता है आपसे क्या लिखा दे बेटा क्या देखा क्या लिखा इसका पढ़ के बताओ जरा ये क्या लिखा पढ़ के बताओ जरा ये क्या लिखा है क्या लिखा है नहीं बनते पुस्तक पढ़ते आप पढ़ोगे चलो बच्चे खड़े होगे आप पापा के बताओ क्या लिखा है पढ़ के बताओ नहीं बनता अच्छा पढ़ लिख के क्या बनोगे बताओ आगे चल के डॉक्टर अच्छा वेरी गुड इसको पढ़ के बताओ फिर क्या लिखा है डॉक्टर बनना है हैं नहीं आप खड़े हो अब बताओ आप क्या बनोगे पढ़ लिख के फौजी वेरी गुड इस पार्टी सुना उसको यार तब तो फौजी बनोगे अब आप भी खड़े हो जाओ चलो राज से आप बताओ जल्दी खड़े हो शर्मा हो जोर से बोलो हाँ तुम बताओ पुलिस हाँ पुलिस बन जाओ हरा है पक्का अच्छा अच्छा अब इसे पूछना है कि क्या बनेंगे आगे चल के खड़े जाओ क्या बनोगे आगे चल के पढ़ लिख के ऐसे सर ऐसे ही पढ़ोगे है पक्का और ऐसे ही पढ़ाओगे जी अच्छा पढ़ाओ अच्छा हमारे डिंडोरी के विधायक कौन है मालूम है आपको है नहीं मालूम है डिंडोरी के विधायक आप ही के गाँव का है ओंकार सिंह मकान से कभी आए हैं आपके यहाँ पर नहीं आए हैं तो आपका क्या नाम है सूरज चलो बैठ जाओ आप खड़े हो बच्चे क्या नाम है रश्मि अच्छा आप कौन से क्लास में पढ़ते बेटा अच्छा पढ़ लिख के क्या बनोगे आप पक्का है कौन बताया आपको डॉक्टर बनना है ये बोले तो सुन के बोल रहे हो क्या मतलब कौन बोला है आपको डॉक्टर बनने को खुद से बोले कि मम्मी बोले कि पापा हैं खुद से ठीक है अब इनसे पूछेंगे दो बच्चे हो गए हमारे साथ में क्या नाम बोलिए आप लोग इतना ढेर से क्यों बोलते हो तो क्या नाम है कृष्णा और माता जी का नाम आपका और पिता जी का नाम कौन से क्लास में पढ़ा चौथी क्लास पढ़ लिख के क्या बोलोगे आप फौजी कौन बोला आपको फौजी बनने को अच्छा तो फौजी बनोगे तो कैसे काम करोगे कैसे करते मालूम है आपको है बड़े बड़े बंदूक टका के लड़ते हैं वो सीमा में आपको भी लड़ना है बंदूक टंगा के जो बॉर्डर होता है ना देश का तो वहां पर वो लोग बंदूक टंगा करके लड़ाई करते हैं जैसे कोई हमला करता है ना आप किस देश के हैं हम लोग आपको मालूम है हम किस देश के निवासी हैं किस देश के निवासी नहीं मालूम है हमारा देश कौन सा है नहीं पता हमारा प्रदेश कौन सा है प्रदेश आप कौन से प्रदेश में रहते हो हाँ वेरी गुड और जिला क्या है आपका है और विकासखंड ठीक है विकास कर आप किस गांव के हैं आप हमारे विधायक कौन है मालूम है आपको डिंडोरी के विधायक मालूम है आपको नहीं आए यहाँ कभी आप लोगों से मिलने ये हमारे हम बच्ची है कृष्णा इनका सपना है फौजी बनने का इन्हें अभी देश नहीं पता है कि हम किस देश के हैं प्रदेश पता है मध्य प्रदेश में है और एक बच्ची और इनसे हम बात करते हैं
इनका क्या सपना है, क्या ड्रीम है, प्रोफेसर गाजी स्कूल के भरोसे क्या है इनका सपना? खड़े बच्चा, क्या नाम है आपका? रागनी। कौन से क्लास में हो आप? चौथी। अब बताओ आप पढ़ लिख के क्या बनोगे? मैडम जी नहीं, आपको नहीं पता क्या बनना है? देखो सब लोग कोई फौजी बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई मैडम सर बन रहा है, कोई पुलिस बन रहा है, आपको क्या बनना है? मैडम बनना है। तो अच्छे से पढ़ना तभी मैडम बन सकते हो। तो ये है मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता, जहाँ तीसरी और चौथी के बच्चे ना तो किस देश में रहते हैं, किस प्रदेश में रहते हैं, किस कौन उनका विधायक है, कौन उनका जिला है, जब इनको चौथी क्लास में जब ये जानकारी नहीं है, बेसिक जानकारी, तो फिर इनका फ्यूचर का क्या होगा? इनके जन्ने आंखों में आसमानों में उड़ने का जो सपना है, क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़कर इनका जो सपना है वो पूरा हो सकता है? आप देख रहे थे, हम इनके बच्चों से बात कर रहे थे, इनकी जो शिक्षा के स्तर है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो उनके सोचने और समझने की जो क्षमता है वो किस स्तर पर है, इस तरह से मध्य प्रदेश में। और हम बात करें डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओमकार सिंह मरकाम के ग्राम में शिक्षा की ऐसी दुर्दशा आपने देखा, और साथ ही आप बिल्डिंग की स्थिति भी देख रहे हैं किस तरह से बरसात के दिनों पानी अंदर घुसती है, हम कहते हैं कि टाइप फिटिंग तक की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में कैसे स्कूल जो है, हम सरकार की जो मंशा है हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर देने का, वो कैसे सरकार की मंशा पूरी होगी? और हम और शिक्षक हैं, हम उन लोगों से सीधे बात करेंगे। आपका हेडमास्टर, हेडमास्टर क्या क्या नाम लिखते हैं आप? रामदास साहब चंद्र। यहाँ कितने बच्चे दर्ज हैं? 62। 62 बच्चे। और कितने स्टाफ है आप लोगों का? 4 लोग। तो आरटीई का गाइडलाइन है कि 30 बच्चे पे एक टीचर, तो 62 है, तो आपके यहाँ तो फिर दो टीचर ज्यादा हो गए। 9 नियुक्ता है सर। 9 नियुक्ता है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। 4 नहीं 5 हो जाएगी। लेकिन ये बताइए आपके यहाँ के बच्चों का जो गुणवत्ता है शिक्षा का, इतना कमजोर क्यों, क्या वजह है? नहीं सर, ये कोविड-19 में 2 साल ऐसे गैप हो गया। हाँ। अभी अभी से हम लोग अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं और वो जैसे 1-2 महीने में ठीक हो जाएंगे। अभी एकदम नहीं, ये भी नहीं पता कि चौथी का बच्चा, तीसरी का बच्चा नहीं बता पा रहा है कि हम किस देश में रहते हैं, तो फिर हम उनका क्या उम्मीद करें उनका भविष्य का? तो जैसे आपके बच्चे सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, फौजी बनेंगे, पुलिस बनेंगे, अच्छी बात है सपना देखना, सपना देखने से पूरा होता है, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो बोलने का जो है तरीका, जब उनमें आत्मविश्वास की इतनी कमी रहेगी तो कैसे उनका सपना पूरा होगा? हम जल्दी से उनको कवर करेंगे सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, अचानक आपको देख तो डर जाते हैं। हमको कैसे लगता है, हम क्या से बात कर रहे हैं? हम बहुत जल्दी उनको कवर करेंगे, हम जल्दी बहुत कवर करेंगे, 4 की बात करें, अच्छे से चला रहे हैं और बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि कोविड-19 में 2 साल गैप हो गया, इसलिए शिक्षा का स्तर जो कम हो गया था, अब जल्दी हम कवर कर लेंगे। कोविड 2022 में खत्म हो गया, 2021 में खत्म हो गया, 22 और 23 डेढ़ साल का समय बहुत होता है बच्चों को ट्रेन करने के लिए। चलिए ठीक है, हम और आप ग्रामीण हैं आगे? हाँ ग्रामीण। अच्छा, हम आपसे ये बात करेंगे कि डिंडोरी के जो विधायक जी हैं, 15 साल से जो विधायक ओमकार सिंह मरकाम जी, इस गांव के विकास के लिए क्या क्या काम किए हैं? इस गांव के विकास के लिए स्कूलों में तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। हाँ, रोड वोड बनवाए हैं, ग्राम के आवागमन के लिए इतना ध्यान दिए हैं, पर स्कूल के बारे में अभी तक इतना ध्यान नहीं दिए। हमने बोला हाई स्कूल खुलवा दो यहाँ, तो बहुत पहले भी दरखास्त लगाई थी, पर आज तक उसने नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ से आपके गांव से बच्चे हाई स्कूल पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? रूसा जाते हैं 4 किलोमीटर पैदल। अच्छा, इधर मेढ़ाखार जाते हैं तो पर भी 4 किलोमीटर वो भी पड़ता है। और आपके यहाँ शिक्षा की बहुत बड़ी दुर्दशा स्थिति है, और स्वास्थ्य के लिए विधायक जी ने क्या किया, क्या यहाँ पर कोई अस्पताल खुलवाया? अस्पताल तो अस्पताल खुला है अभी, कम से कम वो 1.5 साल हो रहा है, महीने साल भर में का 2 बार खुलता है, नहीं तो आता ही नहीं है मैडम, नर्स मैडम। अच्छा, आपके यहाँ हम देखें कि बहुत बड़ा टैंक बना है नल जल योजना के लिए, तो क्या आपके घर में कभी पानी आया आज तक, कोई कनेक्शन मिला? ये नल जल योजना को हमने ग्रामीण वाले सब ग्राम सभा लगा के हमने इसको रद्द करवा दिया।
ये तो आप रद्द करवा दी, लेकिन जैसे बन रहा था चालू था, वो बनना चालू था, पहुंचा नहीं पाया पानी, वैसे हमने रद्द करवा दी। तो टैंक बन गया आपका, पाइपलाइन बिछ गई, पाइप वो टैंक कनेक्शन आपके घर में नहीं पहुंचा? हाँ, कनेक्शन गड़ा है इसमें पाइपलाइन, पर घर में नहीं पहुंचा और टपक रहा है वो। अच्छा, वो टैंक बना है, रद्दी बना है, टपक रहा है। और क्या आप यहाँ क्या बुनियादी जरूरत है, जो जिसकी बहुत जरूरत है गांव वालों की, ऐसा कुछ काम होना चाहिए आपके प्राथमिकता में, गांव वाले क्या देंगे? हमारे यहाँ सबसे मुख्य व्यवस्था स्कूल नहीं बन पाता अच्छे से, बनता है तो साल भर के बाद वही टपकना तो कहीं गिरना, ये हालत है यहाँ की। अच्छी मजबूत किसी स्कूल नहीं बनती, ग्राउंड की समस्या, ग्राउंड की समस्या। अच्छा, ये बताइए, और भी लोग हैं हमारे साथ में, इनसे बात करें। आप ग्रामीण हैं, आपका कोई क्या नाम है आपका? मोतीलाल दुरु। विधायक जी के 15 साल के कामों से आप गांव में खुश हैं, गांव के लोग? जी सर, खुश हैं। कौन से काम से खुश हैं? हमारे गांव में पहले इतना कीचड़ होता था, हम पैदल भी नहीं चल पाते थे यहाँ पे। हाँ। चड्डी पहन के साथ भी लुंगी घेर के बाहर जाते थे। हाँ। और बाजार हर जान तो हमेशा हम लुंगी पैंट पहन के बाहर जाते, जब रोड में जाते थे तब पैंट पहन लेते। ऐसे हमारे पूरे बरनई में चारों तरफ जितने मोहल्ला सब में रोड बन चुका है। कब रोड बना है? आप कहें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सड़क है, विधायक जी के पर्सनल प्रयास से क्या होगा, निजी प्रयास? क्योंकि यह सड़क तो सभी गाँव बन गया, सड़क नहीं बन रही, बस बना है। वो तो सब ठीक है सर, लेकिन उसी के प्रयास से हम मानते हैं कि ये रोड बना है, उन्हीं की मदद से। अच्छा, और विधायक जी का क्या उल्लेखनीय काम रहा आपके बनने के लिए? और उल्लेखनीय काम ये है कि हमारे गांव में इतना कीचड़ था, हम इसी को सम्मान देते हैं कि हमारे गांव से कीचड़ हट गया, पूरे मोहल्ला में रोड बन चुके हैं, बस यही उसका उल्लेख। क्या चाहते हैं विधायक जी को आने वाले समय में विधायक देखना चाहते हैं आपके गाँव के लोग या फिर? जरूर चाहते हैं, चाहते हैं जी। जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था और जो पेयजल व्यवस्था है उसकी बदहाली के लिए भी से ग्रामीण नाराज है, वो चाहते हैं कि गांव में अच्छी गुणवत्ता की स्कूल भवनों का निर्माण हो। और हम और बच्चों से बात करेंगे, यहाँ पढ़ाई कैसे इनकी पढ़ाई होती है, पुस्तक पढ़ते बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, आप बताइए। क्या नाम बेटा आपका? अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? क्या इसको लिखा पढ़ क्यों तेरा? बार बार आती है मुझको मधुर याद, बचपन तेरी गए ले गई तू जी, सबसे मस्त खुशी मेरी चिंता रही खेलना। अच्छा, पुस्तक पढ़ते बनता है आपसे? और दुनिया कहाँ तक बनता है? 15 तक बनता है पक्का जी। और ABCD पूरा बनता है जी। और क्या क्या बनता है आपको? मुझे हिंदी बनते हैं। हाँ। और दोनिया, ABCD, अनाराम। अच्छा, और जोड़ना कटाना घुड़ा। अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे? कितना पीरियड लगता है आपको यहाँ? कितना सब्जेक्ट है आपके? कौन कौन है पर्यावरण? पर्यावरण की परिभाषा बताइए आप, आप बताइए। चलिए आप बैठ जाइए, पर्यावरण का परिभाषा बताइए। पर्यावरण क्या है? परिभाषा पर्यावरण क्या है बताइए आप। देखो जो पर्यावरण है ना, हम आपको बताते, देखो परि आसपास के परिवेश। हाँ, जो जो मौसम है ना, ये आवरण जो माहौल है वही तो पर्यावरण है। क्या नाम है आपका? है? अच्छा अच्छा, तो पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? अच्छा, तो ऐसे पढ़ोगे तो बन जाओगे, पर आप लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है ना। कैसे मेहनत करोगे आप लोग? ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो देखिए 5वीं क्लास के बच्चे हैं, यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में थोड़ा और यहाँ मेहनत करने की शिक्षकों की जरूरत है। और एक बच्चे से हम और बात करेंगे। हेलो नमस्कार, क्या नाम है आपका? साधना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? बच्चा क्या क्या बनता है आपसे पढ़ते बताओ। अलाराम। अच्छा, वेरी गुड। और मध्याह्न भोजन में क्या क्या मिला है? खीर पूरी। पेट भर मिलता है जी। और पढ़ाई पेट भर होता है? कितना सारा कितना सारा होता है? तो ये है, आप देख सकते हैं कि आज
हम लोग चांद में लैंडिंग की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा एक जो न्यू जनरेशन है, जो आने वाला हमारे जो भारत के भविष्य है, जो हम बच्चों को हम देश के भविष्य मानते हैं, इन्हीं की बुनियाद पर हमारा ये मजबूत देश का निर्माण होना है। अगर इन्हें इनके बेहतर भविष्य के लिए इन्हें प्राथमिक स्तर में सही शिक्षा मुहैया नहीं कराया गया तो आने वाले समय में एक बेहतरीन राष्ट्र का जो सपना है कहीं सपना ही न रह जाए।